हेलो दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल मटेरियामेट के एक सीरीज में आज की मेडिसिन है एलोज शोकोटेरिना। एलोज देखते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज है। पेनलेस डायरिया विथ फ्लैटुलेंस, यानी कि ऐसी डायरिया जो पेनलेस हो और साथ में फ्लैटुलेंस यानी गैस बहुत ज़्यादा पास हो रहा हो तो हम एलोज सोच सकते हैं। फीलिंग वीकनेस विथ लॉस ऑफ पावर ऑफ स्फिंक्टर ऑफ एनी, ऐसा लगता है कि उसके स्फिंक्टर ऑफ एनी में कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, अनसर्टेन वेदर स्टूल पास या गैस, उसको पता ही नहीं चलता है कि स्टूल पास हो रहा है या गैस पास हो रहा है। ठीक है, कभी कभी दोनों एक साथ होता है, कभी कभी पेशेंट जो है गैस पास करने के लिए फोर्स लगाता है, स्ट्रेन करता है और स्टूल पास हो जाता है, तो उसमें भी एलोज हम सोच सकते हैं। तो पेशेंट ऐसा बोलेगा, डॉक्टर साहब जो स्फिंक्टर है जैसे लग रहा है कि उसमें वीकनेस है, पावर ही नहीं लग रहा है और पता नहीं चलता है कि गैस पास आउट हो रहा है या स्टूल पास आउट होता है। ठीक है, स्टूल पास ऑलमोस्ट अननोटिस, स्टूल पास होता है और उसे पता नहीं चलता है। ठीक है, जेली लाइक स्टूल हो सकते हैं, किसी भी तरीके का डायरिया हो सकता है, लेकिन जो इसका की पॉइंट है डायरिया का वो है पेनलेस होता है। ठीक है, पेट में गड़गड़ाहट साउंड आएंगी, रंबलिंग एंड गर्गलिंग साउंड आएगा पेट में, और जब जाएगा तो फ्लैटुलेंस के साथ डायरिया पास होगी। ठीक है, तो आप एलोस सोच सकते हो। आप अगर देखोगे एलोस का तो किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेन करेगा, इवन यूरिनेशन के लिए भी, इवन कफिंग के दौरान कोई भी चीज़ के लिए स्ट्रेन अगर जाएगा तो उसकी डायरिया पास आउट हो जाती है, स्टूल पास आउट हो जाता है। उसके स्फिंक्टर में ऐसा लगता है कि मतलब है ही नहीं, पावर ही नहीं है, वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा है स्टूल को। तो ऐसे लोगों की डायरिया में एलोज काफ़ी अच्छा काम करती है। तो अगर कोई पेशेंट आगे बोले, डॉक्टर साहब यूरिन करते वक्त भी जब हम यूरिन के लिए स्ट्रेन करते हैं तब भी स्टूल पास आउट हो जाता है, तो आप एलोज सोच सकते हैं। दूसरी जगह जहाँ आप एलोस सोच सकते हो है पाइल्स, पाइल्स विथ पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी ऐसी पाइल्स जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन हो, हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स प्रोट्रूडिंग लाइक ग्रेप्स वेरी सोर एंड टेंडरनेस। ठीक है, तो ऐसी पाइल्स, ठीक है, जो कि ग्रेप्स लाइक, यानी कि एलोस का जो इंडिकेशन है पाइल्स में, बोलेगा डॉक्टर साहब हाँ रेक्टम एरियाज में मस्सा टाइप का बन गया है, यानी कि वो ग्रेप्स लाइक बताएगा, बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स लाइक बताएगा और काफ़ी दर्द होगा। बैठने पे उसे पता चलता है कि वो किसी मतलब सॉलिड पार्ट पे बैठा हुआ है, पेनफुल होगा। तो पेशेंट बताएगा डॉक्टर साहब एक तो पाइल्स है, दूसरे वहाँ पे मस्सा निकल गया है, तब आप एलोस सोच सकते हैं। बियरिंग डाउन इन रेक्टम ब्लीडिंग एंड बर्निंग एब्लिनेशन बाय कोल्ड वाटर। ठीक है, तो बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है रेक्टम में, ब्लीडिंग भी होती है और बर्निंग भी होता है। ठीक है, तो पाइल्स के पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है और साथ में जलन महसूस होगा, और वो जलन कैसे आराम मिलेगा, कोल्ड वाटर से। तो बोलता है जब हम स्टूल जाते हैं, जब हम पानी लगाते हैं तो मुझे काफ़ी आराम मिलता है जलन में। कॉन्स्टिपेशन में भी एलोस सोच सकते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन में तभी सोचिएगा जब पेशेंट को पाइल्स हो। ठीक है, तो पाइल्स विद कॉन्स्टिपेशन में आप एलोस सोच सकते हैं। डायरिया फ्रॉम बियर, BEER स्पेलिंग सही करिएगा, डायरिया फ्रॉम बियर, यानी किसी को बियर पी लेने के बाद से डायरिया हो रहा हो तब भी आप सोच सकते हैं। तीसरी जगह जहां आप सोच सकते हो है बैक पेन में, यानी बैक एक एग्रीवेशन बाय मोशन, जस्ट लाइक टू ब्राइनिया एंड अदर मेडिसिन। तो पेन इन बैक एक एग्रीवेटेड बाय मोशन, यानी कि कमर में दर्द होगा खास करके सैक्रम रीजन में, और वो दर्द जो है बढ़ जाता है कब, मोशन से। डिससैटिस्फाइड एंग्री विथ हिमसेल्फ, एक मेंटल सिम्टम मैंने लिखा है, पेशेंट हमेशा डिससैटिस्फाइड रहता है। दोस्तों क्या होता है कि इसको होते हैं पाइल्स एलोज के पेशेंट को मैक्सिमम, तो अगर ये कुछ भी तला और मसाला स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं तो इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, इनकी जब दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो अगले दिन ये परेशान हो जाते हैं, पेन होगा, बर्निंग होगा इनके रेक्टम रीजन में, ये अपने आप से डिससैटिस्फाइड होते हैं कि हमने क्यों खाया मसाले वाली चीज़ें, उससे अच्छा नहीं खाता, और अपने आप पर गुस्सा करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है डिससैटिस्फाइड एंग्री विथ हिमसेल्फ। तो दोस्तों ये एलोज है, ठीक है, मेनली ये तीन जगहों पर यूज होती है। ठीक है, डायरिया में, पाइल्स में और कभी कभी बैकएक में इंडिकेशन के साथ यूज होती है। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अगर आप ऐसे इंडिकेशन के साथ प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ लोग मदर टिंचर में भी करते हैं, 3200 सारी पोटेंसी में अच्छा काम करती है, एज जैसा आप डिमांड हो, जो आपके पास हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए काफ़ी है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों हम सिर्फ इसमें क्लिनिकल पॉइंट बताते हैं, हेलो जब आप पढ़ने जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मेनली जो जहाँ अच्छा वर्क करती है वहाँ पे हमने बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।